हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो है बर्फ़ी का, और ये बर्फ़ी हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए। तो इस नवरात्रि में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और हाँ, आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिलाया है जो कि आप व्रत में ना खाएं। सिर्फ एक कलर है वो कि आप स्किप कर सकते हैं। और ये बर्फ़ी हमने वरी के चावल से बनाई है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने घी को डाल लिया है, तो अब हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल। मैंने ग्राइंड करके लिया है, तो ये पूरा एक नारियल था, सूखा वाला नहीं, जो पानी वाला रहता है वो नारियल, उसको ग्राइंड करके इससे मेजर करेंगे तो 1.5 कप लगेगा। तो ये इसमें डाल लिया है मैंने, और गैस की फ्लेम लो करके इसको हमें भून लेना है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो इसका पानी सूखने तक हमें इसे ऐसे ही फ्राई करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने गैस को 2 मिनट के बाद मीडियम कर लिया है, और मीडियम गैस पे हम इसे अब भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा बनके तैयार है, ये अलग हो चुका है, देखिए ये कैसे गिर रहा है। तो इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें ये वरी का चावल है वो डालेंगे। कुछ जगह पे इसे सामा का चावल भी कहते हैं, तो ये हमें इसमें डालना है। तो इसको पकाने का जो वीडियो है मैंने इसमें नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी इसका वीडियो बना के मेरे चैनल पर मैंने डाल लिया है। तो अगर आपको चाहिए ये परफेक्टली इस तरह से कैसे बनाना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कीजिए कि ये परफेक्टली कैसे बनाते हैं चावल को। तो इस तरह से आपको इसमें डाल लेना है, और इसमें और 1 चम्मच हम घी डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप शक्कर ली है, जो कि मैंने मेजर किया है, जिस कप से मैंने मेजर किया था अपना चावल उसी कप से मैंने ये शक्कर भी मेजर की है। आपको सेम कप से ये सब करना है जब करेंगे आप तब। तो इसी तरह से मैंने इस शक्कर को भी इसमें डाल लिया है। तो अब हम सेम कप से मेजर करके 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे। आप मिल्क पाउडर ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इतनी डालनी है, जितना ज़्यादा आप मिल्क पाउडर डालोगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप, मतलब एक पैकेट 10 रुपये का, वो डाला है पूरा। आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसको डाल के अच्छे से मिलाएं, और अब हम इसमें इलायची पाउडर है उसको, उसके 2 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें ये सब अलग अलग लग रहा है, पर यहाँ पे जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी तब ये एक साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी से मेल्ट हो गई है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक साथ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट का रेड फूड कलर यूज़ करूँगी, ये टोमेटो रेड फूड कलर है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से इसमें डालूँगी। तो ये कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर ये मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छा है गाइस, बिलीव मी, आपको अगर चाहिए तो ये ले सकते हैं। तो इससे देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से इसको मिक्स करते रहें। तो अब मैं थोड़ा सा और कलर डालूँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेड कलर चाहिए था इसलिए मैंने और डाल लिया। तो इसी तरह से आपको इसको मिक्स करते रहना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अच्छे से बाइंड हो चुका है, और ये बनके बिल्कुल तैयार है। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी। और आप जिस किसी भी निकालने वाले हैं उसको पहले ही घी से या ऑयल से ग्रीस कर ले, तो इस तरह से इसे निकाल ले पूरा इसमें। तो आपको इस तरह से स्प्रेड करते हुए इस बर्तन में आपको इसको निकाल लेना है। तो अब मैं इसमें ये पूरा डाल लूँगी इस तरह से, और इसे डालने के बाद हमें इसे दबाते हुए चारों कोनों में अच्छे से स्प्रेड करना है। इस तरह से आप करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे से इसको हर जगह पे इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। दबाते हुए आप इसे शेप में ला सकते हैं इस तरह से।
तो आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से स्प्रेड हो चुका है और ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा होगा तो इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। थोड़ा सा हमें टैप करना होगा ऊपर से। तो इस तरह से मैंने इसको पलटी कर लिया है और ऊपर से टैप कर दिया है तो ये आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, केक जैसा लग रहा है ना। और अगर आपको पसंद है तो इसमें कोई भी काजू, बादाम, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप अपने व्रत के लिए बना सकते हैं। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप आगे भी देख सकें। और मुझे सपोर्ट करना ना भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। जब आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही मुझे खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और इसी तरह के क्रिएटिव वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की रेसिपी ट्राई करने का मौका मिले। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।